दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किसी भी इंडस्ट्रीज की अकाउंटिंग यानी कि किसी फैक्ट्री की अकाउंटिंग, ऐसी फैक्ट्री जो प्रोडक्ट को असेंबल करके सेल करती है तो उसकी अकाउंटिंग टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकली रूप से किस प्रकार मेंटेन करी जाती है, अकाउंटिंग मेंटेन करते वक्त किन किन बातों का ध्यान में रखना जरूरी है, यानी कि कौन कौन से लेजर हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, कौन कौन सी स्टॉक आइटम हमें बनानी पड़ती है और उसके प्रोडक्शन वाउचर में जाके एंट्री किस प्रकार होती है। तो दोस्तों ये वीडियो आज बहुत ही नॉलेजेबल रहने वाली है, विशेषकर एक अकाउंट के फ्रेशर स्टूडेंट के लिए। तो इसलिए आज की इस वीडियो का कोई भी स्टेप आप स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक कंप्लीट पूरा देखना। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर देना। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है, अगर आप अकाउंटिंग को अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली रूप से सीखना चाहते हो तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहन सुथार और स्मार्ट अकाउंटिंग आरसनआर की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर का, यानी कि हमारी कंपनी डेस्कटॉप सीपीयू तैयार करके सेल करती है, लेकिन हम सीपीयू परचेज नहीं करते, हम सीपीयू को हमारी कंपनी असेंबल करती है और इस सीपीयू को यानी कि i3 डेस्कटॉप अगर हमें सेल करना हो तो हम i3 डेस्कटॉप को परचेज नहीं करते, बल्कि i3 डेस्कटॉप को बनाने वाले जो कंपोनेंट्स है यानी कि इसमें जो मटेरियल जो लगना है वो हम परचेज करते हैं। जैसे कि इसमें i3 का प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम होगी, हार्ड डिस्क होगी, डीवीडी राइटर होगी, सप्लाई होगी, इसके कैबिनेट हो गए, जो भी प्रोडक्ट इसमें कंज्यूम होते हैं वो हमें परचेज करना पड़ता है, जिसे हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो दोस्तों एंट्री करने से पहले आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, आप चाहे किसी भी इंडस्ट्रीज की अकाउंटिंग मेंटेन करो, लेकिन ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर किसी भी टाइप का अगर कोई स्क्रैप नहीं से बचता हो, अब जैसे कि हम i3 का डेस्कटॉप तैयार कर रहे हैं, इसमें जितने भी हमने जो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल इसका लगता है वो हमने परचेज किया है और उसके सभी जो इसमें किसी भी टाइप की यानी कि स्क्रैप नहीं बचती, जितने पीस हमने परचेज किए वो सारे के सारे कंज्यूम हो जाते हैं एक i3 के सीपीयू डेस्कटॉप को तैयार करते वक्त। तो इस टाइप के अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की अगर अकाउंटिंग अगर आप करते हो किसी भी इंडस्ट्रीज की, तो आप सभी के अंदर ये प्रोसेस है जो बिल्कुल सेम ही रहता है। तो आज इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेना तो आपको अदर किसी भी टाइप की अगर इंडस्ट्रीज की अकाउंटिंग मेंटेन करनी पड़े तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 20% ऐसे केस होते हैं जहां पर प्रोडक्ट को बनाते वक्त उनमें स्क्रैप भी बच जाती है, तो उन स्क्रैप का क्या होता है वो भी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों हमने यहां पर लिया है i3 का डेस्कटॉप हम तैयार करेंगे और i3 डेस्कटॉप तैयार करने में ये मटेरियल हमारा लगता है। तो सबसे पहले हमें ये मटेरियल जो परचेज करना पड़ेगा, तो हमने एक कंपनी से परचेज किया है इसको कंपोनेंट्स को, और जिससे हमने परचेज किया है उस कंपनी का नाम है स्मार्ट कंप्यूटर्स और हमारी कंपनी का नाम है स्मार्ट एंटरप्राइजेस। तो ये हमने इस इनवॉइस के थ्रू सारे जो कंपोनेंट्स लगने हैं i3 सीपीयू बनाते वक्त वो परचेज करके रखे हुए हैं। तो इसकी एंट्री हमने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में भी कर ली है, तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ सारी ट्रांजेक्शन। डिस्प्ले पर हम जाएंगे और डे बुक पर जाएंगे, तो आप देख रहे हो ये परचेज वाउचर की एंट्री हमने कर ली है। आपको मैं वो भी बताऊंगा ये परचेज वाउचर की एंट्री हमने किस प्रकार करी है। तो दोस्तों सिंपल प्रोसेस है परचेज एंट्री करने का, आपको मैं दिखा देता हूँ इस इनवॉइस को। ये इसका इनवॉइस नंबर है SC514 जो कि हमने यहाँ पर इसमें लिया हुआ है परचेज वाउचर में, और पार्टी काउंट नेम है स्मार्ट कंप्यूटर्स और उसके बाद में ये स्टॉक आइटम हमने क्रिएट करी है। तो ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये स्टॉक आइटम हमने इस प्रकार क्रिएट करी है, प्रोडक्ट का हमने यहाँ पर नाम लिखा है, अंडर में हमने इसे सीपीयू रॉ मटेरियल का नाम दिया है, इसका जो ग्रुप हमने क्रिएट किया है, और उसके बाद में ये GST एप्लीकेबल रहेगी और इसको सेट GST डिटेल को हम यस करेंगे, और उसके बाद में जो भी हमारी GST की फॉर्मेलिटी है स्टॉक आइटम से रिलेटेड यानी कि उसका HSN कोड, उस प्रोडक्ट पे कितने परसेंट का GST लगता है, ये सब कुछ हमने हमेशा की तरह इस पर करके रखा हुआ है। और उसके बाद में हमने इसको एक परचेज का लेजर हमने क्रिएट किया हुआ है, परचेज का जो लेज हमने रखा है कंप्यूटर रॉ मटेरियल GST 18% परचेज का, और इसके हमने अंडर परचेज काउंटर रखते हुए इसको क्रिएट किया हुआ है। तो इस तरीके से सभी स्टॉक आइटम हमने क्रिएट कर ली और ये वाउचर जो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया इस वाउचर के अकॉर्डिंग। तो इस वाउचर की जो अमाउंट है वो आप देख रहे हो 1,15,200 रुपये की है, और हमारी बुक्स में भी इसका 1,15,200 रुपये ही वैल्यू आ रही है।
इस वाउचर को कंट्रोल ए के साथ हम कर दिया एक्सेप्ट। तो अब हमें, ये तो था हमारा रॉ मटेरियल जो हमने परचेज किया है, अब हम उस प्रोडक्ट का भी स्टॉक आइटम हमें क्रिएट करना पड़ेगा जिस प्रोडक्ट के नाम से हमने इस प्रोडक्ट को सेल करना है, यानी कि i3 डेस्कटॉप। तो i3 डेस्कटॉप का भी हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़े तो हम किस तरीके से करेंगे, गेट वेब टेली पर आएंगे, क्रिएट पर आएंगे और उसके बाद हम आएंगे स्टॉक आइटम पर, और स्टॉक आइटम हम यहाँ पर रखेंगे i3 डेस्कटॉप, i3 डेस्कटॉप। और इसके बाद ये हमारा फिनिश गुड है, यानी कि हम इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो ये हमारा फिनिश गुड हो गया, और इस फिनिश गुड में रखते हुए इस वाउचर को हम करेंगे सेव, और उसके बाद में ये रहेगी यूनिट्स, यानी कि इसको हम पीसीस में सेल करेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब हमें जब भी फिनिश गुड की स्टॉक आइटम हम क्रिएट करें तो हमें यहाँ पर चाहिए बिल ऑफ मटेरियल, यानी कि i3 डेस्कटॉप अगर हम क्रिएट करेंगे तो i3 डेस्कटॉप क्रिएट करते वक्त इसमें कौन कौन सी आइटमें कंज्यूम होती है, यानी कि कंपोनेंट क्या लगते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो हमें इसी विंडो पर रहते हुए कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे। तो जैसे हम इस कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर। तो इसके सबसे पहले हम इसको यस कर लेंगे, और यस करने के बाद हमें चाहिए स्टॉक आइटम के लिए बिल ऑफ मटेरियल का, और बिल ऑफ मटेरियल के लिए आपको इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा, यानी कि सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम। तो इस ऑप्शन को यस करेंगे। अगर आपके पास इस तरीके से विंडो आ रही है, जैसे आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, इस तरीके से आ रही है लेकिन आपको वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा शो मोर कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये ऑप्शन आपके पास नो आ रहा है तो आप इसको यस करोगे, चाहे आप इस पर माउस से क्लिक करके यस करोगे तो कुछ फीचर आपके साथ और खुल जाएंगे। अगर और कुछ फीचर भी शो करना चाहो तो इस फीचर को आप यस करोगे तो और फीचर भी आपके सामने कुछ ओपन हो जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए बिल ऑफ मटेरियल का, तो हम इसको यस करेंगे और कंट्रोल ए के साथ इस विंडो को करेंगे एक्सेप्ट। जैसे ही करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक एडिशनल डिटेल के अंदर एक सेट कॉम्पोनेंट यानी कि बिल ऑफ मटेरियल का ऑप्शन ओपन हो गया है, तो हम इसको करेंगे यस। लेकिन हमें ध्यान रखना है ये हमें फिनिश गुड के कंडीशन में यस करना है। तो जैसे हम यस करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे बिल ऑफ मटेरियल यानी कि हम i3 CPU तैयार कर रहे हैं, और उसके बाद में यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर। तो अब इस कंडीशन में हमें एक यूनिट का कॉम्पोनेंट है जो सेट करनी है। अगर हम एक i3 CPU डेस्कटॉप तैयार करते हैं तो कौन कौन सी आइटम कितनी लगती है, तो हम एक, और उसके बाद में स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम है तो अलग अलग जो हमें हमारे पास, जैसे कि प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, अगर आप रैम DDR3 के है, एक लगाते हो, दो लगाते हो, तीन लगाते हो, तो उसी हिसाब से हमें इसका कंपोनेंट सेट करना पड़ेगा। तो हम सीरियल वाइज चलते हैं। जैसे सबसे पहले हम चलेंगे प्रोसेसर पे, तो हम प्रोसेसर को सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी एक लगेगी। उसके बाद में जैसे मदरबोर्ड है तो मदरबोर्ड को भी सिलेक्ट करेंगे, एक मदरबोर्ड लगेगा। उसके बाद में जैसे रैम, तो रैम DDR3 की अगर आप एक लगाते हो तो एक सिलेक्ट करोगे, अगर आप एक i3 CPU में DDR3 4 GB की दो लगाते हो तो आपको यहाँ पर दो सेट करना पड़ेगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो ले लेता हूँ, और उसके बाद में LG डीवीडी राइटर एक लगेगा, और उसके बाद में हार्ड डिस्क 1 TB एक पीस, उसके बाद में पावर सप्लाई 1 पीस, और उसके बाद में कंप्यूटर चेसिस यानी कि कैबिनेट 1 पीस। तो इस तरीके से हमने इसका एक PC का कंपोनेंट सेट कर लिया है, और इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। और उसके बाद में GST की डिटेल, यानी कि जब हम i3 डेस्कटॉप को सेल करेंगे तो सेल करते वक्त इसकी क्या स्टोरी रहेगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे CPU फिनिश गुड, और इसका जो HSN कोड रहेगा वो हम सिलेक्ट करेंगे, टैक्सेबल इसको रखेंगे हम टैक्स डिटेल में, और GST इस पे 18% की। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट 12% का है या 5% का है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो, और इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। तो इस तरीके से हमने जो आइटम हमारी सेल होनी थी उसका भी स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया है। तो अब इसके बाद हमें इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बनाने के लिए हमें एक मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा। वाउचर का मतलब जैसे कि हम हमारे पास सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, ये जो वाउचर हमारे पास आते हैं इस तरीके का एक हमें अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम वापस गेटवे टेली पर आएंगे, क्रिएट पर आएंगे, और वाउचर टाइप पर
और वाउचर में जाके हम इसको क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सीपीयू मैन्युफैक्चरिंग, और उसके बाद में हम इसका जो सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर है इससे हम रखेंगे स्टॉक जर्नल में, और स्टॉक जर्नल में रखेंगे एक्टिव दिस वाउचर, इसको यस रखना पड़ेगा। और उसके बाद में एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर ऐड हो जाएगा यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, तो इस ऑप्शन को हमें यस करना पड़ेगा। यस करते हुए इस विंडो को भी हम करेंगे एक्सेप्ट, यानी कि अब ये एक वाउचर हमारे पास क्रिएट हमने कर लिया है। तो अब इसके ट्रांजैक्शन एंट्री हम किस प्रकार करेंगे, वाउचर पर हम आएंगे। तो जो अभी हमने वाउचर क्रिएट किया था सीपीयू मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसे हमें अगर लाना हो तो हम करेंगे कीबोर्ड से एल्ट एफ सेवन। तो जैसे हम एल्ट एफ सेवन प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हो आपके सामने जो हमने अभी सीपीयू मैन्युफैक्चरिंग का जो वाउचर क्रिएट किया था वो इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। हम चाहेंगे सीपीयू मैन्युफैक्चरिंग में। अब यहाँ पर नेम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि आप क्या बनाना चाहते हो। तो हमने i3 का डेस्कटॉप हम क्रिएट कर रहे हैं, तो i3 डेस्कटॉप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में क्वांटिटी, यानी कि अब आप कितने बनाना चाहते हो। हमारे हमने चार जो डेस्कटॉप है वही रेडी करके रखने हैं, तो हम क्वांटिटी में चार डालेंगे। तो जैसे ही हमने इसी चार की एंट्री करेंगे इसमें जो भी कंपोनेंट लगने हैं उसकी जो नेम ऑफ आइटम की लिस्ट है जो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी, और उसकी क्वांटिटी भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो आप देख रहे हो हमने कुछ प्रोडक्ट है जो एक पीस पे एक सिलेक्ट किया था, तो चार हम क्रिएट कर रहे हैं तो चार हो जाएंगी। और हार्ड ये जो रैम थी हमारी DDR3 की वो हमने एक पीसी में हम दो लगाते हैं, तो चार पीसी हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे i3 के डेस्कटॉप, तो चार दोनों आठ, यानी कि आठ पीस है जिसने ऑटोमेटिक यहाँ से पिक कर लिए हैं। तो उसके बाद हम इस नेक्स्ट विंडो में आएंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आता है स्क्रैप का। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त उसकी अगर स्क्रैप बचती है तो उसकी डिटेल हम यहाँ पर देते हैं, लेकिन अब हमारे पास जो सीपीयू हम तैयार कर रहे हैं i3 का इसमें किसी टाइप की कोई स्क्रैप नहीं बचती है, तो उसकी एंट्री हमें यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ब्लैंक रहेगा। और उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन पर आएंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कॉम्पोनेंट्स, यानी कि टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट का मतलब इसके अलावा इसके ऊपर अदर एक्सपेंसेस जो भी लगने हैं, इसके सर्विस के चार्ज या इंस्टॉलेशन चार्ज जो भी अगर आप पे करते हो अलग से, तो उसका लेज़र हमें यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा और उसकी कॉस्ट हमें यहाँ पर बतानी पड़ेगी कि हमें पर पीस को इंस्टॉल करवाने के लिए यानी कि असेंबल करवाने के लिए हम मैकेनिक को इंजीनियर को कितने पे करता है। तो अगर आपका कोई फिक्स नहीं है क्योंकि इसमें यहाँ पर हमें वही लेज़र क्रिएट करना है, अगर आपका पर पीसी का फिक्स होता है तो मान लीजिए अब आपके पास कोई पीसी है, एक इंजीनियर है वो आपको 300 रुपये में भी असेंबल करके देते हैं, आप 400 रुपये में असेंबल कराते हो, 500 रुपये में भी असेंबल कराते हो, यानी कि कोई भी असेंबल की चार्जिंग फिक्स नहीं है, तो आपको यहाँ पर अलग से लेज़र क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर ब्लैंक कर सकते हो। अगर आपके पास बिल्कुल फिक्स है भी आप 200, 300 या 400 या 500 आप फिक्स है भी आप इसका फीस देते हो, तब हमें यहाँ पर एक इंस्टॉलेशन चार्ज के नाम से लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास अगर लेज़र नहीं है तो हम एल्ट सी के साथ यहाँ पर लेज़र क्रिएट कर लेंगे इंस्टॉलेशन चार्ज, और ये हमारे लिए खर्चे है तो हम इसे देखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो GST हम एक बार इसे नोट एप्लीकेबल करेंगे। अब हमें दो ऑप्शन पूछेगा, भी आप परसेंटेज में देते हो या अमाउंट पे देते हो, तो हमें इंस्टॉलेशन चार्जेज पर पीस के हिसाब से देनी है। तो जो भी इंस्टॉलेशन फीस की हम देनी है तो यानी कि 100 रुपये पर देते हैं, तो 400 रुपये इंस्टॉलेशन की चार्ज भी हमें पे करना पड़ेगा। तो ये टोटल जो एडिशनल कॉस्ट है आप देख रहे हो यहाँ पर 400 रुपये इस कॉस्ट में ऐड हो चुका है। तो अब इसका जो आ जाएगा टोटल एडिशनल कॉस्ट 400 रुपये, इफेक्टिव कॉस्ट 68,874 रुपये और 64 पैसे। अब ये 68,000 रुपये कहाँ से है, क्योंकि इसमें 68,474 रुपये 64 पैसे का जो मटेरियल लगा है, जो कि कंपोनेंट हमारे वो लग चुके हैं। तो अब इस पे इफेक्टिव रेट प्राइमरी आइटम यानी कि पर पीस के ऊपर जो हमारा जो खर्चा आया है विद एडिशनल कॉस्ट के साथ, वो 17,218 रुपये और 66 पैसे के हिसाब से वो कॉस्ट को आ रहा है एक i3 डेस्कटॉप पीसी का। तो इस वाउचर को भी हम करेंगे एक्सेप्ट। तो अब एक बार हम स्टॉक देख लेते हैं, गेटवे टेली पर आएंगे, स्टॉक समरी पर आएंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कंप्यूटर सीपीयू का रॉ मटेरियल और फिनिश गुड दोनों श्योर है,
एल्ट F1 के साथ डिटेल ओपन करेंगे। तो आप डिटेल में भी देख रहे हो हमारे अभी जो हमने i3 डेस्कटॉप के जो असेंबल हमने किया था प्रोडक्शन की एंट्री, तो वो चार के जो फीस है वो हमारे पास यहाँ पर शो होना शुरू हो गए हैं। और इनकी जो क्वांटिटी थी वो अब जितनी क्वांटिटी हमने इसमें कंज्यूम कर दी है वो आइटम है जो लेस हो जाएगी। हम इस पर एक बार इंटरप्रेस करेंगे देखेंगे। तो आप देख रहे हो हमने यहाँ पे 9 पीस परचेज इनवॉइस में परचेज किए थे और 4 हमने इस CPU मैन्युफैक्चरिंग में कंज्यूम कर दिए। तो इस तरीके से ये 5 का जो स्टॉक हमारे पास शेष रह जाएगा। तो उसके बाद अब ये तो था हमारा असेंबल करने का। अब जब हम इस आइटम को सेल करेंगे F8 में जाएंगे, सेल में करेंगे, और जैसे हम सेल की एंट्री करेंगे हमारी जो हमने कैश में सेल करनी है और i3 डेस्कटॉप करना है। तो अब इसके बाद हमें पता होना चाहिए भी हमारी जो टोटल कॉस्ट कितनी आई है, तो उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही हमें उसका सेल का रेट हम तय करेंगे। अब जैसे एक पीस हम सेल कर रहे हैं और 24,000 का कर रहे हैं, तो अब हमें यहाँ पर कंप्यूटर फिनिश गुड सेल और इस पे GST 18% लगता है, तो 18% इसके साथ में लिखेंगे अंडर में से सेल काउंट रखते हुए GST एप्लीकेबल रहेगी। गुड्स करेंगे इसको और उसके बाद में CGST टैक्स और SGST टैक्स, और इस वाउचर को हम करेंगे सेव। तो दोस्तों हमें जब भी हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग मेंटेन करनी हो तो हमें दो बातों का ध्यान में रखना चाहिए भी जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं यानी कि जो असेंबल करते हैं वो असेंबल में कंपोनेंट्स क्या क्या लगने हैं और कितने लगने हैं, ये मेन दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमें ध्यान में रखनी जरूरी होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसकी एंट्री टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में असेंबल करेंगे और उसके बाद में सेल की एंट्री जैसे रूटीन में हम किसी ट्रेडिंग बिजनेस में जो सेल करते हैं उसी प्रकार इसकी सेल की एंट्री भी होएगी। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।